नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के बनने के बाद रविवार को पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। हालांकि जिस प्रकार से इसमें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिला है, उस पर विवाद हो रहा है। कारण है कई जिलों की अनदेखी करना, तो एक ही जिले को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना। मसलन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल की पहली सूची में कांगड़ा जिले को प्राथमिकता नहीं मिली है। मंडी और बिलासपुर जिले को भी अभी तक इस मंत्रिमंडल विस्तार से बाहर रखा गया है। लेकिन तमाम परंपराओं को बदलते हुए शिमला और सोलन जिले को खास तरजीह दी गई है। कांगड़ा जिले से महज एक मंत्री और दो CPS बनाए गए हैं। हालांकि BJP की जयराम सरकार और कांग्रेस की वीरभद्र सरकार में कांगड़ा से 3 मंत्री हमेशा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ही सुक्खू सरकार में कांगड़ा जिले के बजाय शिमला जिले को ज्यादा तवज्जो दी गई है। वहीं जातिगत रूप से बात करें तो ठाकरों का वर्चस्व कैबिनेट में दिखा है, जबकि महिलाओं, OBC और अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है, जिस पर BJP हमलावर हो गई है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो मंत्री बने हैं उनको मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं, परंतु ये असंतुलित बजट, असंतुलित मंत्रिमंडल का गठन है। शिमला संसदीय क्षेत्र जो से इन्होंने 3 CPS बनाए, 5 कैबिनेट मंत्री बनाए और टोटल 7 मंत्री बने हैं। 3 संसदीय क्षेत्रों की बहुत बड़ी जो है अनदेखी हुई है। CPS बनाने में भी, मंत्रिमंडल बनाने में भी असंतुलित बजट है, असंतुलित ये कैबिनेट है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग किस नज़रिए से इसको देखेंगे? हमारी नज़र में इससे ना केवल प्रदेश का विकास होगा, परंतु विकास और जो है आपस में प्रदेश असंतुलित हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि शिमला जिले को क्या क्या मिला है। दरअसल यहां से 3 मंत्री और 1 CPS बनाया गया है। वहीं सोलन जिले से 1 मंत्री और 2 CPS बनाए गए हैं। वहीं कांगड़ा जिले से 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसके बावजूद पहली सूची में इस जिले से मात्र 1 मंत्री चंद्र कुमार, तो वहीं किशोरी लाल और आशीष बुटेल को CPS बनाया गया है। शिमला पर इस विशेष कृपा की वजह यह है कि शिमला जिले में आने वाली 8 में से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है। शिमला जिले से रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया गया है, जबकि मोहन लाल ब्राक्टा को CPS बनाया गया है। इससे पहले नरेश चौहान को कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हुए मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। वहीं सोलन जिले को 5 में से 4 सीटें जिताने का इनाम 1 मंत्री और 2 CPS के पद देकर दिया गया है। इस जिले से धनीराम शांडिल को मंत्री और राम कुमार और संजय अवस्थी को CPS बनाया गया है। मंडी और बिलासपुर से जीते 1-1 विधायक चंद्रशेखर और राजेश धर्माणी को भी बड़ा मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कयास हकीकत का रूप नहीं ले सके। वहीं चंबा को विधानसभा अध्यक्ष का पद, कुल्लू जिले से सुंदर सिंह ठाकुर को CPS, किन्नौर से जगत सिंह नेगी और सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान को मंत्री बनाकर राजनीतिक संतुलन बैठाया गया है। लेकिन कांगड़ा से पहली सूची में ही 2 मंत्री पद पक्के माने जा रहे थे। अब देखना होगा कि दूसरी सूची में 3 मंत्री पद और 1 उपाध्यक्ष पद में कांगड़ा जिले को कितनी तवज्जो सुक्खू सरकार की तरफ से दी जाती है। बहरहाल यहाँ पर बात सिर्फ कांगड़ा को इग्नोर करने या शिमला को प्राथमिकता देने तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने मंडी और बिलासपुर को भी कैबिनेट गठन के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। दरअसल मंडी जिले की 10 सीटों में से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का गृह जिला ही बिलासपुर है। शायद उस कारण से दोनों की अनदेखी फिलहाल की गई। दोनों जिलों में से ना तो कोई मंत्री और ना ही CPS बनाए गए हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बचे हुए पदों में से किस प्रकार से सुक्खू सरकार हर जिले को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए संतुलन स्थापित कर पाती है, या फिर उसे जनता की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सौबात की एक बात ये रही कि पिछले 1 महीने के बाद हुए विस्तार के बावजूद भी कांग्रेस क्षेत्रीय और जातिगत दोनों ही समीकरणों को साधने में नाकामयाब साबित हुई है। धन्यवाद।